नमस्कार दोस्तों, ट्रेक ट्रैवल्स एंड फूड में आपका स्वागत है। मैं मुरली भाई अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने ये कुआं आने जाने वालों के लिए, जो उस समय पर दूर दूर से प्रवास करते थे, उनके लिए उन्होंने ये कुआं बनाया ताकि पानी का उनको कमी ना हो। तो ये करजत घाट में है, मुंबई से नासिक की तरफ जाते हुए, जहाँ नासिक का और मुंबई का दोनों रोड एक जगह पर जुड़ता है, वहाँ पर ये कुआं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने ये कुआं बनवाया था। यहाँ पे लोग जब प्रवास करते थे दूर दूर से, तो उनके पानी पीने की व्यवस्था उन्होंने किया था। आइए हम कुएं के करीब चलते हैं और वहाँ पे इसको देखते हैं कैसे अंदर से इसकी बनावट कैसे है। ये कुआं पूरा गोल गुम्बद की तरह बनाया हुआ है चारों तरफ से। अंदर यहाँ पे हवा आने जाने के लिए तीन खिड़कियाँ बनाई हुई है, और ये आप देख रहे हैं ऊपर गोल राउंड में बना पूरा, ये पत्थरों का बना हुआ है पहले का, ये नीचे पानी। ये समर में आने की वजह से यहाँ पे पानी काफ़ी ठंडा है और पीने लायक है ये सारा पानी। तो अब यहाँ पे गांव में यहीं से पानी ऊपर पहुँचाते हैं, या पाइप देख रहे हैं, पाइपलाइन से ऊपर की तरफ गाँव में पानी जाता है। हम एक बार और पीछे से देखते हैं कैसे लगता है ये।